और अब देखते हैं आज की हिस्ट्री में क्या लिखा है। आज ही के दिन सन 1131 में फारसी साहित्यकार, गणितज्ञ और कवि उमर खयाम का निधन हुआ था। उमर खयाम की रुबाइयां पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। रुबाइयां चार पंक्तियों में लिखी गई कविता होती है। वैसे आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि उमर खयाम ने मैकेनिक्स, ज्योग्राफी, मिनरोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी पर कई महत्वपूर्ण लेख लिखे और उन्होंने एलजेब्रा के कई सिद्धांतों की नींव भी रखी थी। आज भारतीय नौसेना दिवस है। भारतीय नौसेना ने आज ही के दिन 1971 में कराची में पाकिस्तानी नेवल बेस पर आक्रमण किया था। इसे 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का एक अहम मोड़ माना जाता है, टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यह युद्ध सिर्फ 13 दिनों में अपने अंजाम तक पहुंच गया था और इसमें भारत की जीत हुई थी और पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे। इस युद्ध से ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1924 में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया को किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी की मुंबई यात्रा की याद में बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया की खासियत यह है कि इसमें हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का फ्यूजन किया गया। इसे आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट ने डिजाइन किया था और उस जमाने में ये 20 लाख रुपए में बनकर तैयार हुआ था। वर्ष 1791 में आज ही के दिन द ऑब्जर्वर अखबार का पहला एडिशन छपा था और ये दुनिया का पहला संडे न्यूज़पेपर था। और वर्ष 1829 में आज ही के दिन बंगाल सती रेगुलेशन के तहत सती प्रथा को गैर कानूनी ठहराया गया था। सती प्रथा के तहत महिलाओं को अपने पतियों की मृत्यु की स्थिति में उन्हीं के साथ जिंदा जला दिया जाता था। भारत में समाज सेवक राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको याद दिला दें कि 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इस पूरे हफ्ते किसी ना किसी रूप में भारतीय सेना को नमन करते रहिए और गर्व के साथ अपने सीने पर ये झंडा जरूर लगाइए जो इस वक्त मैंने लगाया हुआ है। और ये पूरा हफ्ता 7 तारीख तक आप जैसे चाहे वैसे हमारी सेना को नमन कर सकते हैं। नमस्कार।